Assalamualaikum guys, it's Ali from Park Fitness with another quick jump rope tutorial. How to criss cross या crossover किस तरीके से करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. सो गाइस, जब भी बेसिक जंप रोप आप स्टार्ट करते हैं लाइक दिस, बेसिक जंप रोप आप कर रहे हैं, इसे आप क्रॉस ओवर में कैसे तब्दील करेंगे लाइक दिस क्रॉस ओवर, या फिर इसे आप क्रिस क्रॉस कह सकते हैं. इसके अंदर आप वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं रनिंग में, ठीक है, एंड डबल अंडर के साथ भी क्रॉस ओवर. इसकी टेक्निक क्या है कि आप क्रॉस ओवर आराम से करें एंड इसके बाद अपने हैंड्स को भी आराम से खोलें और आपकी रोप आपके पाँव में फंसे ना. अक्सर लोग इसमें बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से क्रॉसओवर उनसे सही हो नहीं पाता. तो आज इस गलती को मैं ऐसे बताऊंगा कि आप समझेंगे कि आपको पहले से आता होगा. तो गाइस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप क्रॉसओवर करते हैं तो वन जंप एंड क्रॉस लाइक दिस. जब आप क्रॉस करें तो आपके दोनों हाथ यहाँ से ऐसे आएँ और यहाँ आने के बाद इस तरीके से इस पोजीशन पे हो जाएं कि आपका एक हाथ आपके एक साइड पे यहाँ निकल रहा हो, दूसरा हाथ दूसरी साइड पे यहाँ निकल रहा हो इस तरीके से. एंड यहाँ पे जाने के बाद इसको जब आप बेसिक रोप करते हैं एक फ्लिक देते हैं अपनी कलाइयों को, तो यहाँ पर भी अपनी कलाई को एक फ्लिक देना है, एक तरह का झटका देना है ताकि यह रोप नीचे से लिपटे, नीचे से फलटे, जल्दी से निकले और फिर वापस से ऊपर आए लाइक दिस. यहाँ पर एक आपने इसको मूव देना है, फ्लिक देना है ताकि रोप आपकी निकले. वन वन, जब आप इसमें बेहतर हो जाए कि एक दफ़ा आप ये प्रैक्टिस करें वन एंड वन. पहली प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए उसके बाद आपने सेकंड करना है वन एंड हाथ को फिर ओपन करने की कोशिश करनी है लाइक दिस. वन एंड ओपन, वन एंड ओपन. इस तरीके से आपने अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करना है. हाथ जब आप बंद करेंगे तो आपने इमेजिन करना है कि जैसे किसी को आप हग कर रहे हो, ठीक है, आप गले किसी को लगा रहे हो वन, ठीक है, हल्का सा स्लाइडली सा थोड़ा सा अपनी बॉडी को नीचे करना है वन एंड इसके बाद दोनों हाथ यहाँ पर एंड इसके बाद अपने वापस हाथों को अपने ओपन करना है लाइक दिस. जहाँ आपके हाथ बंद हो गए ऐसे ही, वहीं आपके हाथ ओपन होंगे ऐसे ही, अपने आप हाथों को ज़्यादा नहीं खोलना, ठीक है. और स्लाइडली सब बॉडी को जो नीचे करना है उसकी मेन वजह ये है कि अब रोप यहाँ है, आप जब स्ट्रेट इस तरीके से खोलेंगे तो रोप आपका छोटा हो सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने बॉडी को नीचे करेंगे ताकि आपकी रोप जब आप जंप लें डबल अंडर वगैरह में ज़्यादातर यह मसला होता है तो आपकी रोप छोटी ना हो. वन टू, वन टू. अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे कि आप स्किपिंग कर रहे हैं करते करते और आप हाथ ज़्यादा खोलेंगे बाहर से लाइक दिस, तो ये आपके ज़रूर पाँव में फंसेगी और आपसे सही से हो नहीं पाएगी. इसकी मेन वजह क्या है कि आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप इसको आगे ला रहे हैं. वन एंड वन टू, वन टू, वन टू, वन टू. ये मुझसे तो इसलिए सही से हो पा रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है दूसरी में, तो जिनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती और ये बड़ा अजीब सा लगता है लाइक दिस. इससे देखें आप कि कैसे लग रहा है, ठीक है, एंड इसे आप देखें कि दोनों में से कौन सा बेहतर लगता है. तो इसकी बेसिक्स क्या है, आपने इसकी बेसिक्स को समझना है कि हाथों की कलाई यहाँ पे, मेरे हाथ यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद मैं अपनी कलाई को फ्लिक कर रहा हूँ इस तरीके से, कलाई को घुमा रहा हूँ जैसे हम बेसिक जंप रोप पे कलाई को घुमाते हैं फ्लिक करते हैं, सेम यहीं पर भी यहाँ आने के बाद कलाई घूमेगी उसके बाद वापस ओपन होगी. जब आपके हाथ यहाँ पर बेसिक ये है कि आपने ये क्लिक किया, वापस आपके हाथ जब ओपन हो रहे हैं तो हाथ वहीं पर ओपन होंगे, ज़्यादा आपने ओपन नहीं करने. जहाँ पर आपका जितना आपका रेशन जितना आप अपने बाजुओं को रखते हैं उतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा अगर आप खोलेंगे तो आपकी जंप रोप सही नहीं हो पाएगी. वन मूव, वन टू,
क्लोज। और गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। मजीद जंप रोप वीडियोस के लिए, जंप रोप वर्कआउट के लिए, फुल बॉडी वर्कआउट्स के लिए पाक फिटनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेक श्योर करें कि आप बेल आइकॉन पर क्लिक कर रहे हैं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप तक आती रहें। ओके, तो फिर आप कर रहे हैं ना? हाँ कर रहे हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।